हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुक विथ गंगा वाइब्स में फ्रेंड्स। और इसमें बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनके रेडी हुई है फ्रेंड्स। तो इस समय गणेश जी अपने घर में पधारे हुए हैं, तो देखिए और सब लोग अपने घर में कुछ न कुछ भोग तो बना ही रहे होंगे। तो चलिए क्यों नहीं, आज हम बनाएंगे चावल से मोदक। और ये मोदक बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत सा मोदक बन के रेडी हुआ है और बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, अपने घर में जो सामान है ना उसी से ये बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसको बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ चाहिए वो सब चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है चावल का आटा और वो भी थोड़ा सा दरदरा इसको पीस लिया हुआ है मिक्सी में ही। और ये है नारियल का, नारियल को घिस लिया हुआ है, चीनी है और कुछ ड्राई फ्रूट है। तो यहाँ पे काजू है, बादाम है और काजू और बादाम को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स हल्का सा, ताकि ये पीसने में बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहाँ पे लिया हुआ है केसर, केसर को भिगो के छोड़ दिया हुआ है। और इसके बाद इसी से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा मोदक फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पीस रही हूँ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को मिक्सर जार में डाल के अच्छे से इसको पीस के एक तरफ रख लेंगे। इसके बाद कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया हुआ है। 3 से 4 चम्मच मैंने बड़े चम्मच से इसमें घी ऐड किया हुआ है। घी को गर्म होने देंगे, उसके बाद से चावल का जो आटा है ना इसको इसमें मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसको पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको भून रही हूँ, थोड़ा सा इसका टेस्ट इससे अलग होगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। भून गया है, अच्छे से भून के रेडी हो गया है। तो हम यहाँ पे नारियल का जो बुरादा है ना उसको ऐड किया हुआ है, जो ड्राई फ्रूट पीस के रखा हुआ है इसको ऐड किया हुआ है। तो देखिए इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। और जब बनेगा ना तो इसकी खुशबू, मतलब ये जब भुनेगा ना तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छे से घर में फैल जाएगी और बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी ये बनता है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको भी 2 से 3 मिनट ऐसे ही भून लेंगे। सारा एक में मिक्स हो गया है और बहुत ही टेस्टी सा बनेगा फ्रेंड्स। इसके बाद से हमें इसमें देखिए जो किशमिश हमने कट करके, किशमिश को फ्रेंड्स कट कर देना है छोटा छोटा, ताकि वो ना बड़ा नहीं अच्छा लगेगा। और जो उस बर्तन से हमने चावल लिया हुआ है ना उसी बर्तन से हमें दूध लेना है। 1.5 कटोरी इसमें हमें दूध ऐड करना है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी इसको मिक्स कर रही हूँ और दूध को गर्म करके ठंडा करके एक तरफ रख लिया हुआ था। अब मैं 1/2 कटोरी और दूध इसमें ऐड करूँगी। सो देखिए 1.5 कटोरी हमने दूध ऐड किया हुआ है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं चीनी मिला रही हूँ। चीनी भी देखिए 1 कटोरी में थोड़ा सा कम मैं इसमें निकाल भी दी हूँ, ताकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना तो नहीं अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो इसको हल्का ही मीठा रखेंगे और बराबर इसको चलाते रहेंगे। सो देखिए नहीं तो नीचे ये पकड़ लेगा। गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो रखेंगे इस स्टेज पे फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें ना तो इसमें केसर का जो पानी है ना उसको इसमें मिक्स कर लीजिए। तो देखिए ये बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा फ्रेंड्स। देखिए चारों तरफ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अब इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में, थोड़ी देर के लिए इसे गैस को बंद करके उसके बाद फिर चलाते रहना है फ्रेंड्स, नहीं तो नीचे पकड़ लेगा फ्रेंड्स। तो इसको देखिए ऐसे ही इसको भी मैं चला ही रही हूँ और देखिए बहुत ही अच्छे से ये बन के रेडी हो गया है। अब इसको एक बर्तन में हमें निकाल लेना है। तो मैंने निकाल के इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था, 5 से 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे मोदक का जो मोल्ड होता है ना उसको ले लेंगे, और जो हमने काजू बादाम को थोड़ा कट करके रखा है पतला पतला उसको इसके अंदर ऐसे ही रख लेंगे। और देखिए जब इसमें मोदक भरेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा सा ऊपर मतलब शेप निकल के आएगा इसका। तो ऐसे ही इसको दोनों तरफ दोनों में रख के और भर के इसको दबा देना है फ्रेंड्स। सो देखिए यहाँ पे ऐसे ही इसको पैक कर देना है और बहुत ही टेस्टी सा बन के रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो है ना मज़ेदार, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ड्राई फ्रूट देखिए कितना ऊपर अच्छा लग रहा है ना, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। ऐसे ही हमें सारे मोदक अपने भर के बना लेने हैं और बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से सामान नहीं लेना है फ्रेंड्स, जो आपके घर में है उसी से ये बनके मोदक रेडी हो जाएगा। और आप लोग कैसे बनाते हैं मोदक वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
और ये रेसिपी कैसी लगी वो भी कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चावल से ये मोदक बनाना बहुत ही आसान है, इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और दोनों तरफ से ऐसे ही भर के और बीच से इसको निकाल देना है। सो देखिए ये बहुत ही टेस्टी सा मोदक बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो सारे मोदक ऐसे ही हमारे रेडी हो गए हैं। सो देखिए एक एक करके यहाँ पे रख देना है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और बहुत ही टेस्टी सा ये रेसिपी बन के रेडी है फ्रेंड्स। सो देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब केसर का जो धागा है ना वो इसके ऊपर ऐसे ही लगा देना है, हमें एक एक करके लगा देंगे। और जो ये चांदी का जो सीट आता है ना मिठाइयों पे लगाने वाला, वो इसके ऊपर ऐसे ही लगा देंगे ताकि ये बहुत ही सुंदर लगेगा। दिखने में भी सुंदर है और खाने में भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। केसर के धागे से ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो आप ये वर्क कैसे लगाते हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए फ्रेंड्स। बहुत ही मतलब ये लगाने में मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप इसको कैसे लगाते हो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सारे हमने लगा दिए हुए हैं और देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ना ये। और जो इतना थोड़ा सा बच गया है तो इसको भी देखिए, इस पर भी लगा दिया हुआ है और बहुत ही टेस्टी सा मोदक बन के रेडी है। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। कमेंट लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू पूरा वीडियो।